भाजपा आई बैकफुट पर, गिर गई धड़ से नीचे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दो चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों को अपने अपने पाले में बताते नहीं थक रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के जीत को लेकर के बड़ा दावा किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कांग्रेस के जीत की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि दो चरणों के मतदान का विश्लेषण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन पायलट ने दावा किया कि पहले दो चरण में हुए मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से बेहतर नजर आ रही है। इसका अंदाजा कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बयान से भी लगाया सकता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों जीत का दावा किया है। इनकी माने तो शुरुआत आंकड़े में मतदाताओं को रुझानों को नजर आते हुए और उनमें रखते हुए कांग्रेस इस तरह से दावा कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रवास कब राहुल गांधी पहुँचते ही वहाँ वाले देखने लगे। उनकी सभा के पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता और जायजा लेने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर खुद बिलासपुर पहुँचे हैं। बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी 400 पार के नारे लगा रहे हैं और खारिज कर रहे हैं, उनके जीत के दावे के बीच कांग्रेसी नेता इस आंकड़े को निकालने में लगे हुए हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में इस बात को नकारा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के दावे कर रही, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सिरे से नकार दिया है। बता दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ प्रभारी होने के साथ साथ नाते सचिन पायलट लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहते हैं। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर प्रवास पर सचिन पायलट पहुंचे, एक बार फिर से मीडिया के सामने कांग्रेस और बीजेपी ने मैनिफेस्ट में मौजूद फर्क को अपने ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस की मैनिफेस्ट में कंपनियों ढूंढने और उसमें बताया जा रहा है कि कमियां कैसे ढूंढनी चाहिए, उसमें दुष्चारित करने का काम भी बीजेपी करने लगी है। जबकि असल में उनके घोषणा पत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बेहतर विकास और तरक्की की बात है। इसके उल्टा भाजपा को कांग्रेस की घोषणा पत्र में मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग और तुष्टिकरण नजर आता है। उन्होंने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की घोषणा पत्र के फर्क को बखूबी समझती है। इसको लेकर वहाँ पे और चीज़ दिखा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन बटन है, आप कुछ राशि देकर चैनल की आर्थिक संकट मजबूत कर सकते हैं।